पीजी में चार लड़कियां रह रही साथ में, तीन चार मतलब रूम चार का है लेकिन अभी दो ही रह रहे हैं हम लोग, पहले चार रही थी साथ में, चार का रूम है, इससे पहले में जब स्टार्टिंग में चार ही थे हम लोग, चार ही थे। बाबू 60 साल तक की पूछ आती तो बताएगी मुझे कहाँ से स्टार्टिंग है कहाँ से नहीं है, ठीक है। मैंने लड़की की दिक्कत लेके आई तो मेरे पास नहीं, मैं मतलब जॉब वगैरह के लेके आई हूँ, कोई लड़का भी है? हाँ जी। घर में शिवलिंग को पूछता है कोई? हाँ जी पूछते थे पहले, पहले पूछते थे। हाँ जी पहले पूछते थे, अभी पूछते मतलब रखी तो अभी भी है। हाँ। लेकिन अभी चाची माँ की पूजा करती है, मतलब वो पढ़ती है डेली, पहले शिवलिंग की करते हैं, माँ की करने लगे। मैं तो मतलब ऐसे पहले से ही मतलब दोनों की करते हैं शिवलिंग, मतलब शिवरात्रि वगैरह की तो पूजा अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ। मतलब शिवलिंग सबसे पहले तो भगवान तुम्हारे लिए वो ही खड़े हैं। हाँ जी तो रिश्ता विश्ता आया था, मना किया था या फिर कुछ बात हो गई थी? नहीं रिश्ता वगैरह को तो मेरे सामने तो बात नहीं है, कोई घर परिवार में, क्योंकि पापा से पूछा रही है तो ये पापा से पूछा, किसी का रिश्ता विश्ता आया था परिवार में जो मना करती हो या फिर? मुझे तो नहीं पता, मतलब उनके सामने आया तो मैं बता नहीं सकती। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो गुस्से में बहुत कुछ बोल के रोने लग जाती पीछे से, सबके सामने नहीं रोती। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बातों पे भी नहीं आता और कभी कभी छोटी छोटी बातों पे। हाँ छोटी छोटी होके धमका के फिर बाद में खुद ही रोने लग जाएगी, कहीं भी बाथरूम में भी छुप के भी रोने लग जाएगी। हाँ यही होता तेरे साथ, बोल सच्चे दरबार की जय। सपने बहुत बड़े देखती है, अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहती है। मुझे गला बार बार गले का कुछ दिखा रही है, क्या ये गले का? हाँ कुछ बनवाया है, बनवाने की सोच रही है, किसी ने गिफ्ट दिया है? नहीं मतलब फोम बनवाया है मम्मा। हाँ। ने बनवाया है। अच्छा। लेकिन अभी मम्मा सोच रही है कि उसके लिए चैन भी बनवाऊं। अच्छा अभी मुझे बार बार वो शिव जी खड़े बाबा वही सोच रहा, मुझे गले का क्यों दिखा रही है, क्यों दिखा रही है? दो बार दिखा चुकी मैंने, कहा चल मुझे कन्फ्यूजन हो गई होगी, बन जाएगा जल्दी टेंशन। बाबू सपने में लड़की खड़ी हो गई थी, पसीने आ गए थे कभी कभी, मतलब अभी तो मतलब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बीच में ऐसा होता था कि मैं रात में 3 बार या 4 बार उठ जाती थी झटके से, हाथ पैर मतलब पूरी बॉडी मेरी हिल जाती थी, एकदम से उठ जाती थी मैं, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि क्यों क्यों। चीजें तो बहुत दिखा रही हूँ मैं, पर वो बातें नहीं करूंगी यहाँ पर, कोई मतलब चादर वादर की भी दिखा रही हूँ मैं, कोई लड़की वड़की रहती होगी तेरे साथ में? तो मैं तो चार रहती थी मेरे साथ। हाँ दिखा कुछ और ही, पर वो बोल नहीं सकती। सांस की दिक्कत किसको है? सांस लेने में अस्थमे की? अस्थमे की तो नहीं है, लेकिन दादी को डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम रहती सांस है। सांस में दिक्कत होती हो जाती है कभी कभी, जैसे मतलब सर्दियों में या फिर जैसे बारिश का मौसम आता है तब हो जाती है। हाँ तो उसे सांस की दिक्कत कहते हैं, सर्दियों में बारिश का मौसम नहीं होती है। हाँ हो जाती है। तो बोल कबूल भी आ रखी है, कही थी कोई? हाँ की हुई है, मतलब मम्मी पापा ने भी की हुई है, जॉब वगैरह के लिए भाई की मेरी, और वैसे मैंने भी किया हुआ है। अच्छा मेन जॉब की दिक्कत चल रही है साथ में, वैसे सब ठीक है? वैसे भी दिक्कत चल रही है, वैसे तो मेरे साथ में तो चल रही है। जॉब बोली ना मेन, इसलिए मैंने कहा मेन जॉब जॉब की चल रही है। हाँ तो बहुत चीजें रही, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लड़की की भी आ रही है, ठीक है ना। फोन पे भी बहुत दिक्कत होती है, क्या होती है फोन पे? किसकी किससे मतलब कह के रो पड़ती है तू बात करती करती? मतलब ऐसा होता है कि मतलब मैं बोलूँ साहब बोल रहे हो कि लड़की की प्रॉब्लम हो रही है,
ऐसा हुआ था अभी कि मैंने मतलब अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उसे थोड़े पैसे लेके दिलवा दिए थे, तो अब वो मुझे परेशान कर रहा है। भी सपने में सांप किसको दिखाई दिया था? पंख। वो तो मुझे नहीं पता। घर परिवार में किसी ने बताया फोन पे या मम्मी मम्मी को दिखाई दिया हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने जिक्र तो नहीं किया ऐसा कुछ। जो बताऊंगी वो कर लेगी कि पीजी में रहती है? हाँ कर तो लूंगी। एक छोटी सी माँ कालका की तस्वीर, ठीक है, जल छिड़क के, चुन्नी उड़ा के, टीका लगा के, और यहाँ के सरसों के तेल की जोत जलेगी, ठीक है। शिवलिंग पे 21 दिन तक दूध चढ़ाएगी और जल चढ़ाएगी लगातार, ठीक है। नौकरी भी लग जाएगी, जो तेरे दिमाग में चल रही है वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। और एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, मतलब मैं ऐसा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, मैं कालका माँ के मंदिर गई थी, तो जैसे मैं उनकी मूर्ति के सामने गई तो मेरे मतलब हाथों पैरों के से रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे बाद में बताऊंगी, बाद में, अभी फिलहाल जो भी मैंने कालका माई बस मैंने भोले शंकर की नहीं बोली है। हाँ जी, तुम्हारे घर और देखो मैं अभी बैठी तो मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। हाँ, मैंने भोले शंकर की नहीं बोली, ना मैंने पार्वती की बोली, ना मैंने किसी चीज की बोली, मैंने कालका माई की बोली है, तो कालका माई में कुछ ना बताया होगा जब भी बोली है। ये चीज मैं बाद में बताती हूँ, पहले बता दूंगी। तीन हाजिरी में इसलिए भरवाती कि बच्चों के खुलासे होते रहें बाद में। खुलासे जब होंगे जब तीन हाजिरी भरेगी, पता लग जाएगी अपने आप। पहले कालका माई की कर, उसके बाद खुल के जब भी आ पाएगी, खुल के जब भी आ पाएगी, सच्चाई है, ठीक है ना। पहले ये कर, बताइए, तीन हाजिरी भरवा दो इसकी, सरसों के तेल की जोत जलवा दो, 11 रुपए की अरदास करके ड्यूटी क्लियर, 21 दिन तक भोले शंकर के शिवलिंग को करेगी, ठीक है। 11 रुपए की अरदास करा दीजिए। ये अच्छी पजेब देखिए, मैं तो बेर बेर जावा है।